आबकारी विभाग के द्वारा बलपूर्वक कार्यवाही पंडरिया कवर्धा बीते दिनों आबकारी विभाग की टीम के द्वारा वनांचल क्षेत्र ग्राम कुई आवास पारा के कुछ संभ्रांत परिवार एवं गरीब मजदूरों के यहां आबकारी विभाग के द्वारा बलपूर्वक कार्यवाही करने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार अब तक लोक लिहाज के भय से मौन थे। ग्राम सरपंच ने पीड़ित परिवार की मदद करते हुए यह जानकारी मीडिया तक अवगत किया। मीडिया टीम वस्तु स्थिति मामले की पुष्टि करने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। बता दे, अगर मामला किसी मजबूर गरीब परिवार वालों पर किसी सरकारी विभाग के द्वारा अन्यान्य अत्याचार कर रहे हो तो राजनीति दलों के पहलवान मौन नजर आते हैं, और वहीं अगर यही मामला किसी ताकतवर परिवार वालों के विरुद्ध हो तो पूरी राजनीति दलों के पलटन अपनी ताकत झोंक देती है। बता दें, पीड़ित परिवार वालों पर क्या कुछ कार्रवाई हुई। विगत दिनों ग्राम कुई आवास पारा में आबकारी विभाग की टीम शिकायत के आधार पर दो परिवार वालों के यहां दम्बिश दी। जब आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई निरीक्षण करने पहुंचे तो घर में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। घर के बड़े सदस्य उस समय घर में मौजूद नहीं थे। जहां जिस घर में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी वह परिवार सरकारी सेवक है, वो अपनी ड्यूटी में गए थे। घर के बच्चों ने बताया, आबकारी विभाग के अधिकारी घर में घुसकर तलाशी लेने लगे, सभी कमरों के सामान बिखेर दिए। अधिकारी जूता पहनकर उनके पूजा कक्ष में घुसकर जहां गंगा जल गैलन में था उसे फेंक दिए। उन्हें शराब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि वो पूजा पाठ करने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आबकारी विभाग के द्वारा इस तरह की कार्रवाई से उनकी धार्मिक आस्था भावना को ठेस पहुंची है। दूसरी कार्रवाई वही नजदीक में गरीब मजदूर परिवार के यहां आबकारी विभाग के द्वारा सूने घर में ताला तोड़कर तलाशी लिए। घर की वृद्ध महिला ने बताया, वो पास बैठने गई थी, उन्होंने ताला टूटा देखा तो अंदर अधिकारी थे। उनके पूछने पर आबकारी विभाग के अधिकारी मौन थे, वहां भी शराब नहीं मिला। मीडिया के द्वारा कार्रवाई को लेकर जब जिला आबकारी अधिकारी से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा, अगर बलपूर्वक कार्यवाही हुई है तो पीड़ित को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। वहीं पीड़ित परिवार वालों का कहना था कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कहा, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं किए, लेकिन अब तक आबकारी विभाग अपने किए गलती का सार्वजनिक क्षमा मांगने नहीं आए। अब सवाल यह है कि क्या आबकारी विभाग को इस प्रकार किसी संभ्रांत परिवार या गरीब परिवार वालों के घर घुसकर बलपूर्वक कार्यवाही करनी चाहिए। अगर कार्रवाई करते हैं तो क्या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कैसे कर सकते? क्या चेक करेला, जांच करेला? हाँ, का हुई बता। ताला तोड़ के घुस रही है। ताला तोड़ के घुसिस का खोजे ले घुस रही है अंदर? बिलिस के नहीं दारू नहीं पाई। का नाम है तोर? शाम भाई। तो जब ताला तोड़ घुसी तो कहाँ रहे? अब बात रही गाता हूँ मन तो कहाँ रहे? ये में नहीं रहेगा, इधर घर बैठे रहे सची मन। अच्छा, उमन जबरदस्ती आके ताला तोड़ के घुसर गए के जन रहीन? माने जन रहीन एक जन टूरी लोग रहे मां तो हरिया। हां हां, का होइस बता। उमन आई नो खबर बोलिन कि यहां दारू बन के काम बना पड़े तो अंदर घुसिन के बाहर से में रहिन? उमन उमन अंदर घुसिन और जूता पैर घुसे रहिन। कहां कहां घुसिन? अंदर सब रूम में घुस रहिन, किचन रूम तक, पूजा वाले में तक। तो पूजा कक्ष में फिर का मिलिस कुछ? पूजा कक्ष में कुछ नहीं, गंगा जल रही तेला और डिब्बा खोल के फेंक दे रही। जूता पहन के अंदर घुस गए सब? हाँ। तो मना नहीं करते हो कि कोई नहीं करके? हमन मना करे रही तो फिर भी नहीं मानी? उमन नहीं माना तरी हम। का नाम है कुछ जन के नाम वाम पता है? नहीं। नाम वाम पूछे उनकर नाम मा बक। तो क्या कैसे कार्रवाई कैसे वहाँ? देखिए, हमारे यहाँ जो भी कार्यवाही होती है मुखबिर सूचना या स्वयं के जो भी जानकारियाँ होती हैं उसके आधार पर कार्यवाही हमारे स्टाफ करते हैं, और कुप्दूर में भी कार्यवाही हुई है। आप किस कार्यवाही के बारे में? जी, एक कुप्दूर में एक कर्मचारी के यहाँ हुआ था, सचिव के यहाँ, और वहाँ उनकी ये शिकायत थी कि आबकारी विभाग के निरीक्षक वहाँ गए और जबरन वहाँ जाकर उनके पूजा कक्ष में गंगा जल वगैरह को लोग फेंक कर कार्रवाई की गई। नहीं, ऐसा तो कोई भी ऐसा नहीं करता है। यदि ऐसा रहता तो उनके द्वारा यहाँ आकर
अपनी बात रखनी चाहिए थी। जी मैम, हमको एक शिकायत मिली थी, हम लोग अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, उनके द्वारा हमको शिकायत किया गया। तो शिकायत आपको मिली मानिकपुरी जी, तो यहाँ या तो डीएम महोदय को मिलना था या हमारे पास, ऐसा कोई शिकायत आया नहीं। हम वहाँ के सरपंच महोदय ने जरूर फोन किया था कि ऐसी घटना हुई है और आप लोगों को, मतलब विभाग में जो सब इंस्पेक्टर है उनको आकर संतुष्ट करना है, तो ये चीज समझ में नहीं आई कि संतुष्ट करने वाली बात। जी जी, तो आपको क्या शिकायत, उनके इंक्वायरी का ये शिकायत मिली थी कि बलपूर्वक जबरन जाकर बच्चे महिलाओं को नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा यदि रहता तो वो, अगर ऐसा रहता, अगर नहीं साबित हो रहा है तो क्या कार्रवाई करेंगे ऐसे अधिकारी? देखिए, इसके लिए यदि ऐसा रहता तो वो पुलिस में जाने के लिए स्वतंत्र है, पुलिस में वो कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, डीएम महोदय के पास शिकायत कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, लेकिन विथ एविडेंस, क्योंकि वो मीडिया के पास ही पहुंच है उनकी। फिलहाल उनकी जो, नहीं तो जो आप बता रहे हो शासकीय कर्मचारी हैं, तो शासकीय कर्मचारी की पहुंच तो सबसे, और नहीं वहाँ दो घर पे कार्रवाई, एक मजदूर घर है बगल में, वहाँ ताला बंद था, ताला तोड़ कर उनके यहाँ घुसा गया, ऐसे उनका उनका कहना, आरोप लगाना है। देखिए, अब वहाँ पास आप भी नहीं थे, वहाँ पास मैं भी नहीं थी, है ना, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन उसकी पुष्टि, बात होती है पुष्टि की, और आप